आज पंकज पुनिया जी को अपना कोर्ट में पेश किया गया था पुलिस द्वारा, जिसमें माननीय अदालत श्री मुकेश कुमार जी द्वारा अपना पुलिस द्वारा रिमांड मांगा गया था, जिसमें पुनिया जी को एक दिन का रिमांड पुलिस को दिया गया है। अब एक दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा उनको मेडिकल होने के बाद। बट ये है कि अपना उसमें एक दिन का रिमांड आज पुलिस द्वारा पुलिस को मिल गया है। रिमांड का बेस क्या है? रिमांड उसके लिए लिया जी कि फोन जो है जिससे ये ट्वीट किया गया है उसको रिकवर करने के लिए, जो पंचकुला में छिपा दिया इन्होंने सबूत नष्ट करने के लिए, वो पेश करने के लिए रिमांड मांगा। उन्होंने डिफेंस ये लिया था कि जी जो ये ट्वीट किया गया है ये इसके अकाउंट से ट्वीट नहीं किया गया, तो पुलिस ने ये मांगा था कि जी जो फोन जिससे ट्वीट हुआ था वो हमने रिकवर करना पंचकुला से, तो पुलिस को एक दिन का रिमांड दे दिया गया फोन की रिकवरी के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, जो करनाल से कांग्रेसी नेता है पंकज पुनिया विवादित ट्वीट के बाद करनाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए ये कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उसके साथ जो रिलेवेंट रिकॉर्ड लगा हुआ था, एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल और प्रोवोकेटिव और काफ़ी आपत्तिजनक एक ट्वीट जो है पंकज पुनिया के द्वारा परसों शाम को 6:30 बजे के आसपास किया गया था, तो उसके संबंध में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं IPC के और IT एक्ट के, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कल शाम को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी चल रही है, आज कोर्ट में पेश करके आइंदा जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो दूसरी जगहों भी मामले दर्ज हुए हैं, जानकारी मिली है कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कई जगह मामला दर्ज हुआ है, तो क्या कुछ वहाँ की पुलिस भी बाद में प्रोडक्शन वारंट पे लेकर जा सकती है? हाँ देखिए अभी तो जो अभी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केस दर्ज है और हमने उसको अरेस्ट करके अभी तो उसको कोर्ट में पेश करेंगे, अगर IO को ज़रूरत लगेगी तो उसकी रिमांड सीख करेगा पुलिस रिमांड, या उसको जुडिशल में भेजा जाता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और जो बाकी जगह जहां मुकदमे दर्ज हैं अभी पता लगा है कि लखनऊ में और इंदौर दो जगह से भी सूचना प्राप्त हुई कि वहां भी मुकदमे दर्ज हैं। कौन कौन सी धाराओं में? ये 153A IPC और 295A और 505 पार्ट 2 और साथ में 67 IT एक्ट। तो लोगों से अपील करेंगे कि मामला दर्ज हो गया, कानून ने अपना काम किया है, लोग फिर भी कानून को अपने हाथ में ना लें, कोई धमकियां दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, वो चीज़ ना हो? नहीं बिल्कुल, देखिए जो कोई भी ऐसा काम करेगा जो कानून के खिलाफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है पुलिस है वो अपनी जो कार्रवाई बनती है वो करेगी, यदि कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो भी एक जो है अपराध करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थ्रेट दिए जा रहे हैं अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर, कुछ इस तरह की आ रहा है? नहीं देखिए ऐसे बिल्कुल भी थ्रेट देने की कोई बात नहीं है, जो जिसने किया है वो भुगतेगा, जो कानून का एक सिस्टम है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि कृपया इसमें पेशेंस रखिए और जो आपकी कंप्लेंट है आप कंप्लेंट दीजिए, उसमें हम हैं कार्रवाई करने के लिए। कौन सी पार्टी का बताया जा रहा है? देखिए पार्टी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो जो कंप्लेंट लिखी थी उसमें जो है 7 रिकॉर्ड लगा हुआ था। नेता का एक ट्वीट आया था काफी विवादों में रहा पंकज पुनिया का, तो उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे हिसाब से जो ट्वीट किसी ने किया उसका पर्सनल होगा, कांग्रेस का नेता वो कभी था भी नहीं, और मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा नेता नहीं, मेरे को सारी उम्र कांग्रेस में होगी, और अगर कांग्रेस की ये सोच भी नहीं है, जो मेरी माँ बहन जिस ट्वीट को नहीं पढ़ सकती तो वो निंदनीय ही हो सकता है, वो घटिया से घटिया ही हो सकता है। शिकायत करेंगे सर आप ऊपर उन्हें पार्टी से? मेरे को क्या जरूरत है, ये जो ऊपर तक सारी बातें पहुंच चुकी हैं, और वो इतना बड़ा नेता नहीं है कि पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले, कोई जरूरत नहीं है उसकी। विवादित ट्वीट मामले में कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। भले ही कांग्रेस नेता पंकज पुनिया ने आपत्तिजनक ट्वीट को डिलीट करके माफी मांग ली हो, लेकिन फिलहाल पंकज पुनिया की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसके अलावा देश के कई और राज्यों में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग।